प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है, कौन सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, कि प्लांट के अंदर लीव्स है तो कैसी है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, उसका रूट कैसा है, उसका सिस्टम कैसे चल रहा है, वो ब्रांच्ड है, वो अनब्रांच्ड है, उसकी लीव का कलर कैसा है, उसका फ्रूट कौन सा है, उसका फ्लावर कौन सा है, उसके फ्लावर्स के कलर्स कौन से, इस तरीके की जो स्टडी होती है। इस तरीके की जो स्टडी होती है वो होती है प्लांट मॉर्फोलॉजी। यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जो फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के साथ में डील्स करती है। कौन सा फॉर्म्स और कौन से स्ट्रक्चर, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल के साथ में जो डील करती है वो कहलाती है एनाटॉमी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम स्पेशली किनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म्स की। प्लांट्स कितने में डिवाइड होते हैं? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। लाइकन्स, मॉसेस, ये सारे क्या है? प्लांट के टाइप्स है। अब इसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? रूट, शूट, लीव्स, इन सब का। मॉर्फोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर एक्सटर्नल फीचर्स और ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी करते हैं हम प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, उसके फॉर्म्स की, उसके ऑर्गन्स की, लेकिन सिर्फ ऊपरी सतह से। जैसे कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, तो हम मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? हम उसको देख रहे हैं, वो ब्राउन कलर का है या उसकी लीव्स ग्रीन कलर की है, उसमें फ्लावर येलो कलर के हैं, उसमें फ्लावर पिंक कलर के हैं, उसमें रेड कलर के हैं, या किसी एनिमल में जो हेयर्स है वो ब्लैक है, स्किन उसकी ब्राउन है, किसी की व्हाइट है, किसी की उसमें पैचेस में प्रेजेंट है, किसी की रेज में प्रेजेंट है, किसी की लाइंस में प्रेजेंट है। तो ये इस जा रहे जो एक्सटर्नल फीचर्स है, जो हमको बाहर से देखने से पता चलता है, वो सब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी में आता है। और इंटरनल स्टडी का मतलब क्या है? एनाटॉमी का मतलब क्या है? कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है, उनके जो सेल्स है, वो किससे मिलके बने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके टिश्यूज कैसे, वो सब एनाटॉमी में आता है। लेकिन मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स एंड फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ऐसे ही एनाटॉमी क्या होगी? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब अगर हम ये कहते हैं कि एक्सटर्नल स्टडी, एक्सटर्नल के अंदर क्या हम ये देखेंगे? उसकी रूट कैसी दिखती है, उसकी रूट कैसी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसकी रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें हेयर्स कैसे प्रेजेंट है, वो किस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन कर रही है, किस तरीके से इलोंगेशन कर रही है, किस तरीके से मैचुरेशन कर रही है, किस तरीके से
प्लांट ब्रांच में प्रेजेंट है, किस तरीके से उसकी बर्ड्स है, कैसी उसकी नोड्स है, कैसे उसके इंटर नोड्स है, कैसे उसके फ्लावर्स है, ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे, मॉर्फोलॉजी में। लेकिन एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी में हम ये पढ़ेंगे अगर उसके फ्लावर्स है तो उसके फ्लावर्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें 5 पेट्यूल्स है या सेपल्स है या पेटल्स है या ब्रैक्ट है या नहीं है, या उसमें एंथर कैसे है, उसमें ओवरी कैसी है, उसमें स्टिग्मा कैसा है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाएगी, एनाटॉमी। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाएगी, मॉर्फोलॉजी। मिटा दूं, जो एंजियोस्पर्म्स के सीड है या स्पोर्स है वो सब कहाँ पे, कवर्ड बाय ओवरी रहते हैं, ओवरी के अंदर कवर्ड रहते हैं उसके स्पोर्स, उसके सीड्स, उसके ओव्यूल्स वगैरह। और जो एंजियोस्पर्म है उसमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स की वैरायटी है। अगर हम देखें वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स क्या होंगे, रूट, स्टेम, लीव्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, फ्लावर्स हुआ, सीड हुआ, फ्रूट हुआ, ये सब। जैसे ग्राउंडनट को ले लीजिए, ग्राउंडनट का क्या होता है, उसके छोटे छोटे जो ग्राउंडनट्स होते हैं वो एज अ सीड काम करते हैं। हमें जब भी ग्राउंडनट्स की खेती करनी होती है, मूंगफली की खेती करनी होती है, हम क्या करते हैं, उनके सीड को लेके उसको बो देते हैं, उससे प्लांट जनरेट होता है। ठीक है, फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे हुआ, फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है और एंथर और ओवरी होती है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होकर उसके अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं, ओव्यूल्स फिर सीड में जर्मिनेट होते हैं या फूड में जर्मिनेट होते हैं, और ये जो फ्रूट्स है वो हम खाने के काम में लेते हैं। उसके बाद में भी उनका रिमेनिंग कुछ पार्ट है, उसमें छोटे छोटे से बीज या स्पोर्ट्स रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, अगर हम मिट्टी में डाले उसमें पानी वगैरह डालते रहे तो उसके अंदर से वही प्लांट फिर से जर्मिनेट होता है। ठीक है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, एक्सेट्रा, मैंगो है, ये सब चीजें। तो इसीलिए वेजिटेटिव ऑर्गन किसको कहेंगे, रूट, शूट, लीव्स वगैरह, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो फ्लावर्स, सीड, फ्रूट्स और ओव्यूल्स है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनको हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स को हम एक्सटर्नल भी कह सकते हैं,
और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या, इंटरनल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से कवरिंग रहती है, ओवरी, स्पोर्स, ओव्यूल्स, एंथर्स, स्टिग्मा, ये सब फ्लावर की कवरिंग में रहते हैं, ये सब जन्म रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है, हो गया।
अगर एक प्लांट का स्ट्रक्चर देखे तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, रूट सिस्टम किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। और दूसरा रूट सिस्टम क्या करेगा, फिक्स प्लांट इनटू द सॉइल, उसके बाद में रूट के बाद में जो सिस्टम आएगा प्लांट का वो क्या होगा, स्टेम सिस्टम, ठीक है। स्टेम सिस्टम में क्या होगा, उसकी नोड्स होंगी, इंटर नोड्स होगी, उसकी बर्ड्स होगी, लीव्स होगी, फ्रूट होगा और उसकी ब्रांचेस होगी। ब्रांचेस का मतलब क्या, उसकी शाखाएं निकलती, जैसे ये इधर से एक और शाखा निकल के इधर लीव्स होगी, इधर होगी, उसके बाद में और वहां से यू अलग अलग होगी, उसमें लीव्स निकल रही है तो वो उसकी ब्रांचेस कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो जस्ट ऊपर का पार्ट है वो स्टेम होता है, उसके बाद में स्टेम से लीव्स निकलने लगती है, जब लीव्स निकलती है तो दो तीन लीव्स के बीच का जो एरिया होता है वो इंटरनोड होता है, क्योंकि उसकी दो ब्रांचेस के बीच का एरिया है वो, तो उसमें जो नोडल सेगमेंट होगा उसको हम इंटरनोड कहेंगे। जो वहां पे छोटी सी बड प्रेजेंट होती है उसको हम बड कहते हैं, और जो लीव है, लीव के अंदर क्या होती है, एक लैमिला होती है जिसको हम मिडरिप कहेंगे या मिडल लैमिला कहेंगे, उसके साथ में क्या होती है, वेन्स प्रेजेंट होती है, उस वेन्स की वजह से लीव्स में जो भी फूड मटेरियल होता है वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है। तो लीव में क्या होगा, मिडरिप्स और वेन्स, और रूट सिस्टम जो होता है नॉन ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन का मतलब क्या कि ये ग्रीन नहीं होता, फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसको नॉन फोटोट्रॉफिक भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाटर को अब्सॉर्ब करता है, मिनरल को अब्सॉर्ब करता है, तो क्या कहलाता है, ये जियोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक। ठीक है, जियोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, जियो का मतलब मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन करना और वाटर का मतलब हाइड्रो, ठीक है। इसके अलावा रूट हेयर्स क्या काम करते हैं, ये एक्सपोज्ड एरिया को बढ़ाते हैं जिससे कि रूट ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। इंक्रीज एक्सपोज सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। रूट कैप क्या करती है, रूट कैप प्रोटेक्ट करती है रूट सिस्टम को, कि जैसे कोई सॉइल है बहुत ही हार्ड सॉइल है तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए ये प्लांट क्या करेगा, रूट क्या करेगी, म्यूसिलेज सिक्रेट करेगी, और जो भी सॉइल वगैरह में जैसे ही प्लांट जा रहा है, ग्रो कर रहा है, रूट आगे से आगे बढ़ रही है तो उसको कोई भी डैमेज नहीं हो, इसलिए रूट कैप क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसके मेरिस्टेमेटिक पार्ट को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो कंटिन्यूअस ग्रो करता रहे। रूट कैप प्रोटेक्ट करती है रूट के मेरिस्टेमेटिक पार्ट को। बन गया ये,
क्या बोल रहे हो? रूट हेयर, ये यूनिसेलुलर है बेटा। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर किससे बनते हैं? ये इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। जब जो रूट की एपिडर्मल सेल्स है वो इलोंगेट होती है, और इनकी लेंथ कितनी होती है? 1 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ रूट हेयर। ये तो कंप्लीट प्लांट का स्ट्रक्चर था। अब हम सिर्फ रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे।
इस डायग्राम में पहले रूट कैप, फिर सेल ऑफ डिवीजन पार्ट, उसके बाद में रूट हेयर, उसके बाद में जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं, किसी का भी सीड डालते हैं सॉइल के अंदर, उसके बाद में हम क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए उसको वाटर डालते रहते हैं। जब वाटर डालते हैं तो क्या होता है, प्लांट जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होता है तो कैसे जर्मिनेट होता है, उसके अंदर सबसे पहले रूट निकलती है जो सॉइल के अंदर उसको फिक्स करती है, और उसके बाद में उसका स्टेम निकलना शुरू होता है। ऐसा ही होता है ना, क्यों? क्योंकि जो रूट है वो सॉइल में प्लांट को फिक्स करती है, उसके लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है, और जो उसका स्टेम है, स्टेम के अंदर जो लीव्स है वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके उस वाटर के साथ में CO2 को लेके अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो रूट कैप है ये क्या करती है, रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे हम देखते हैं छोटा सा प्लांट है, उसकी रूट कम गहराई में होगी, लेकिन जैसे 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 प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रूट की ग्रोथ भी बढ़ती जाती है, गहराई में जाती जाती है रूट। ठीक है, कैसे जाएगी रूट, अगर बहुत छोटा सा पार्ट है स्टार्टिंग में तो वो बाहर कैसे डेवलप हुआ, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये रूट कैप और अंदर सॉइल के अंदर डाउनवर्ड्स चलती जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम सेल डिवीजन टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, सेल बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती है। तो फिर क्या होता है, डिवीजन के बाद में जोन ऑफ इलोंगेशन आता है। जोन ऑफ इलोंगेशन का मतलब क्या, जितना सेल डिवीजन होना था वो हो चुका है, अब वो सेल कोई चेंज नहीं करेगी और इलोंगेट होकर वहीं पे स्टेबल हो जाएगी। तो जैसे जैसे जोन ऑफ इलोंगेशन आता है, इलोंगेटेड सेल होती जाती है और ये रूट हेयर्स और ये सारी चीजें नीचे की तरफ डेवलप होती जाती है। फिर उसके बाद में रूट हेयर्स हुए, अब बाद में क्या होगा, जैसे मैचुरेशन जोन आया, जोन ऑफ इलोंगेशन आया, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी ये रूट का पार्ट बना हुआ है वो सारा इलोंगेट हो जाएगा और ये हेयर्स और रूट के डाउनवर्ड्स होते जाएंगे, मतलब नए हेयर और नया रूट का डेवलपमेंट होता जाएगा, आगे से आगे वो सिंथेसिस होती जाएगी। तो ये जो रूट हेयर्स है वो भी अपना एब्जॉर्प्शन बंद कर देंगे, अपना डिवाइडेशन बंद कर देंगे और वो भी इलोंगेट हो जाएंगे, मैच्योरेट हो जाएंगे, मैच्योरेशन में चले जाएंगे। और उस मैच्योरेशन के बाद में क्या होगा, हम जब देखते हैं तो अगर किसी भी प्लांट की खुदाई की जाती है, उसको जड़ से निकाला जाता है, तो हम देखते हैं उसकी एक बहुत मोटी सी रूट आगे स्टार्टिंग में आती है, फिर उसको और ज्यादा जब खोदा जाता है तो जब उस प्लांट को उखाड़ा जाता है तो पता चलता है कि इतनी मोटी रूट आने के बाद में, बहुत लंबी रूट आने के बाद में ऐसी रूट आ रही है जिसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर पतला सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसके अंदर और भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो रूट क्या होती है, वो रूट कंटिन्यूअस ग्रोइंग होती है, सेल डिवीजन हो रहा होता है उसमें, वो उसका एलोंगेशन और मैचुरेशन अभी तक नहीं हुआ होता है, और वो और सॉइल के अंदर आगे से आगे उस सॉइल को पेनिट्रेट करके और ज्यादा अंदर स्टेबल करती है प्लांट को। जैसे मैंगो का प्लांट है, कई सालों तक वहां पे स्टेबल रहता है, तो उसकी जो रूट है बिल्कुल छोटी सी थोड़ी रहती है, वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। कैसे बढ़ती है कि उसका रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका म्यूसिलेज जो होता है वो सॉइल को पेनिट्रेट करता है, हार्ड सॉइल को, और वो सॉइल के अंदर आगे से आगे बढ़ती रहती है। उसका जो डिवीजन पार्ट है वो डिवीजन करता रहता है, जब उसका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो वो पार्ट क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद में जैसे कि जैसे आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो ये रूट हेयर्स वगैरह क्या, जैसे सपोज ये रूट थी, ये यहां से स्टार्ट हुआ था, ये इसकी रूट कैप थी, ये सॉइल था, ये सेल डिवीजन हो रहा था, इसमें ये रूट हेयर्स थे, यहाँ पे इनका इलोंगेशन हुआ, उसके बाद में ये जो इलोंगेशन हो रहा है ये भी रूट का ही है, रूट का पार्ट है, और आगे ये फिर वापस रूट सिस्टम ग्रो कर रहा है। ठीक है, आगे से आगे उसको पेनिट्रेट कर रहा है। ये जोन ऑफ मैचुरेशन है, मतलब मैच्योर हुई हुई सेल्स जिसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो रूट, वो सेल्स क्या होगी, ये यहाँ पे आगे इकट्ठी हो जाएगी और रूट का इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और जहां जहां उसमें हेयर रूट्स होंगे, जहां जहां उसके अंदर इलोंगेशन होता जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जितनी ज्यादा लंबी और थिक रूट होगी
उतना ही ज्यादा प्लांट का मैच्योरेशन बढ़ता जाएगा, उसका फिक्सिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी सॉइल में बढ़ती जाएगी। रूट कैप क्या, वापस बोलिए, रिपीट कीजिए। नहीं समझी मैं आपका क्वेश्चन, फिर से बोलेंगे। अच्छा, रूट कैप जितनी नीचे बढ़ेगी उतनी ऊपर बढ़ेगी क्या? नहीं, जितना जैसे नीचे बढ़ता जाएगा उतना है ना सॉइल के ऊपर तक नहीं जाएगा, सॉइल के अंदर ही बढ़ेगा। कई बार क्या होता है फिर उसके बाद में उसमें सेकेंडरी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है, टर्शरी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है, तो ये क्या फिर डिवाइड होते जाएंगे। लेकिन फिनोमिना क्या कहता है रूट डेवलपमेंट का, यही है कि जैसे जैसे रूट कैप बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सेल डिविजन की कम, उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, और जैसे जैसे उसकी सेल डिविजन की कैपेसिटी कम होती जाती है वो जो सेल्स होती है वो एक जगह जाके एलोंगेट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए रूट ज्यादा से ज्यादा थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है, और उसमें से फिर बाद में नेक्स्ट जो रूट निकलनी शुरू होती है वो क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। लेकिन वो सभी प्लांट में नहीं होती सेकेंडरी टर्शरी, अधिकतर प्लांट में प्राइमरी रूट सिस्टम ही होता है, इसीलिए प्राइमरी रूट है बताया मैंने आपको। लेकिन उसमें यह है कि जितनी ज्यादा गहराई में रूट जा सकती है उतनी ज्यादा गहराई में रूट जाती है, और जैसे जैसे ये रूट जाएगी वैसे वैसे ऊपर इसका एलोंगेशन बढ़ता जाएगा। मतलब ये कि अगर यहां से ये पूरी सॉइल है और स्टार्टिंग में रूट यहां तक बढ़ी, उसके बाद में सेकंड में रूट यहां तक बढ़ी, तो ये वाला पार्ट जो है ये एलोंगेट हो गया, और ये वाला पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, और डिवीजन होगा और मैच्योरेशन होगा, इतना पार्ट इलोंगेशन में चला गया और ये वाला पार्ट इसका एब्जॉर्प्शन में चला गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पे जाके इसकी ये जो ग्रोथ है वो बंद हो जाती है और इसी में से दूसरी रूट निकलना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा ना बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये जो पेड़ है आम है, नीम है, इनके पेड़ है, इनकी रूट कितनी ज्यादा डेवलप होती है, कितनी ज्यादा मोटी होती है। जैसे वो उसका बेलपत्र का पेड़ ले लो, उनकी रूट को अगर खोदने जाओ तो बहुत सारी इसके अंदर साइड रूट्स भी निकली हुई होती है, और इतनी मोटी इसकी रूट्स होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसका तना और उसकी रूट में बहुत कम फर्क रहता है। कुछ कुछ रूट इतनी ऐसी होती है कि वो बाद में यहां से सॉइल के अंदर से होती प्लांट के स्टेम पर से भी लटक जाती है। तो इसलिए इसका जो फिनोमिना है रूट डेवलपमेंट का वो क्या है कि रूट कैप आगे बढ़ता जाएगा, उसमें हेयर डेवलप होते जाएंगे, उसमें सेल डिवीजन होता जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि सेल डिवीजन होना बंद हो जाएगा, वो जो सेल है बिल्कुल थिक होके एलोंगेट होके वहां पर स्टेबल हो जाएगी, फिर वो कोई डेवलपमेंट नहीं करेगी, फिर वो कोई चेंज नहीं करेगी, और उसके बाद में एब्जॉर्प्शन तो प्लांट को चाहिए। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन कहां से आएगा, नए रूट हेयर्स वगैरह डेवलप होंगे और वो रूट कैप आगे से आगे बढ़ती जाएगी।
ज्यादा नहीं है, हर बार डिवीजन के अंदर ये जो सेल डिवीजन पार्ट है ना ये बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, 1 mm तक का ही होते हैं इसकी साइज। रूट हेयर्स की साइज 1 से 6 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए अगर ये कितना ग्रो करेगा तो इसको कितना टाइम लगता है उसको ग्रो करने में, उसको थिक होने में, उसको इलोंगेट करने में, लेकिन प्रोसीजर वही फॉलो करता है ये। हाँ जी,